भाइयों बहनों, मैं सभी विपक्ष को बता देना चाहता हूं कि 2039 तक तो मैं, 29 के बाद योगी। तो बिहार में पढ़े लिखे इंसान नहीं है, नौवा पास मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। जो लालू यादव अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाया, बिहार को क्या पढ़ाएगा। तो बीजेपी की देन थी, नीतीश में दम कहाँ है। अरे बिहार संभाल नहीं रहा है, पटना में छात्रों पर लाठी चल रहा है, पटना में राम भक्तों पर लाठी चल रहा है, और देश संभालेगा। एगो आरा छोटा मोटा शहर है, वो नहीं संभाल सकता है। वो पटना में वहीं पर रोज मारपीट, हत्याकांड, बम बारूद सब चल रहा है। न्यूज रिपोर्टर है, आपको तो मालूम है। तो एक और देहती, दिल्ली कैसे संभाल, पटना नहीं संभाल रहा है तो दिल्ली कैसे संभालेगा। पहले पटना संभाल ले। काम मिल रहा है दिल्ली में? हाँ, मैं काम किया। राहुल गांधी कहते बेरोजगारी है, आपको काम नहीं मिल रहा है। कौन बोल रहा है? रोजगार हो गया है ना? है? उनका फैमिली बेरोजगार हो गया है, इसलिए बोलेंगे ना। कोई और उनके दोस्त यार अखिलेश यादव है, वो भी बेरोजगार है। उधर महबूबा मुफ्ती है और उमर अब्दुल्ला, वो सब बेरोजगार हो गए हैं। तो छाती पीटेंगे। इसमें कह रहे हैं रोजगार मिल जाएगा, प्रधानमंत्री बनेंगे। कौन प्रधानमंत्री? कहिए कि 40 तक चद्दर ओढ़ के सोए, क्योंकि वैकेंसी नहीं है। अभी मोदी है, उसके बाद योगी है, 40 के बाद है। अच्छा, और उनके जो सहयोगी हैं बिहार में नीतीश कुमार, उनका आपकी खत्म है कहानी। का है भाई? कहते हैं सब समेट देंगे भाई। नहीं, कहते हैं कि दारू बंद है, सुन लीजिए, 500 में हाफ है, 1000 में फूल गली गली मिल रहा है। कौन कहता है? नहीं तो गाना महंगा हो गया, अब सस्ता हो गया ना, हरियाणा मॉडल चल रहा है उधर, गाड़ी से गाड़ी, वो क्या बोलते हैं, स्कीम गाड़ी से धोआ रहा है ना। अच्छा बात है, ठीक है, दारू एक अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि भाई 4400 लोकसभा जो है भाजपा जीतने नहीं देंगे। अरे वो तेजस्वी यादव जो इनको दिन रात गाली देता था, आज गोदी में बैठ के झूल रहे हैं उसके। एक ऐसा ये सारा पलटू है नीतीश कुमार का है, कह रहे हैं पलटू नाम कहिए ना, पलटू है नीतीश का है, कह रहे हैं उनका पुलिस। अब एक बात बोलते हैं, बिहार में जाइए और कहीं जाइएगा, किसी भी एरिया में कहिएगा दारू चाहिएगा, मिल जाएगा। तो पुलिस का है नहीं, वहाँ पहुँच जाता है। शादी ब्याह में हम लोग जाते हैं दूसरे एरिया में, जाएंगे तुरंत मिल जाता है। मैं खुद पीता हूँ तो बता रहा हूँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा। वो उससे हमको फर्क नहीं है। बाकी नीतीश कुमार के पुलिस को नहीं मालूम है कि दारू का हैबिट है, क्योंकि पैसे ले रहे हैं ना। अच्छा, सबसे ज्यादा बेचवा रहे हैं वही। अच्छा, दारू एक अलग विषय है, दारू दर्द है। अच्छा, नीतीश ने क्या किया है? खाली इधर से उधर पलटी मारने के अलावा कुछ कर रहा है विकास का काम, बताइए। लेकिन कह रहे हैं आप विकास पुरुष जो है तेजस्वी यादव को बनाएंगे, वो विकास पुरुष। तो जैसा अपन है, अब स्वास्थ्य घोटाला करेगा अभी तेजस्वी यादव, उसके बाप चारा खाया था ना, ये अब दवा खाएगा। वो चारा खाया था, ये दवा खाएगा, लिख के रख लीजिए। मोदी को हरा पाएंगे? हाँ, उसका भाई को बिना दिया है कौन मंत्री, पर्यावरण मंत्री है, जंगल वाला, वो गांजा मार के फिट रह रहा है, वो गांजा उगा रहा है और मार के फिट रह रहा है। नीतीशो दम चुनल बिनल को मंत्री बनाया है, उसको और बिहार में पढ़ा लिखल नहीं मिला था। लालू जी जेल गए तो बिहार में सबसे पढ़ा लिखल आदमी के था, राबड़ी देवी। वो उनके पार्टी में उससे पढ़ा लिखल कोई नहीं था, अंगूठा छाप। अभी का तो बिहार में पढ़े लिखे इंसान नहीं है, नौवा पास मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। जो साला लालू यादव अपने बेटा को नहीं पढ़ा पाया, बिहार को क्या पढ़ाएगा। बेटा को तो मैट्रिक पास नहीं करा पाया, पहले अपने उसको बेटा बेटी जन्म देना था, पास हो तो करा देता। अच्छा एक बात है, ठीक है, ये सब अलग बात है। अब हम मुद्दे एक बात पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं पूरे विपक्ष को एक करेंगे, नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। हमें तो लग रहा है ना कि नीतीश कुमार को डर हुआ है। अभी कह रहे थे कुछ दिन पहले कांग्रेस को कि एक हो जाओ, उन लोग में चल रहा है पहले आई लव यू कौन बोलेगा, पहले आई लव यू कौन बोलेगा। बाकी नीतीश को डर हुआ है, क्योंकि 39-40 सीट आया था ना, अब कि वो भी नहीं आएगा। बिहार की जनता उब गई है, बिहार की जनता उब गई है, ढेर बुर्बक बना लिए। बीजेपी के कंधे पर चढ़ के सीट ले लेते हैं, जाके उधर लपकी मार देंगे, ये नहीं चलेगा। नहीं नहीं, 2014 में कितना लोकसभा का सीट जीते थे नीतीश कुमार, ये बताइए हमको। नहीं नहीं, कितना? और वही 2019 में किस जीत गए, कितना? 16-17। तो बीजेपी की देन थी, नीतीश में दम कहाँ है। अरे बिहार संभाल नहीं रहा है, पटना में छात्रों पर लाठी चल रहा है, पटना में राम भक्तों पर लाठी चल रहा है, और देश संभालेगा। एगो आरा छोटा मोटा शहर है, वो नहीं संभाल सकता है। वो पटना में वहीं पर रोज मारपीट, हत्याकांड, बम बारूद सब चल रहा है। न्यूज रिपोर्टर है, आपको तो मालूम है। तो एक और देहती, दिल्ली कैसे संभाल, पटना नहीं संभाल रहा है तो दिल्ली कैसे संभालेगा। पहले पटना संभाल ले, पटना संभालने में उसको पूरा जिंदगी बीत जाएगा। वो कह रहे हैं हम नहीं बने तो राहुल को बना देंगे भाई, राहुल गांधी को, राहुल गांधी को। अरे राहुल खुद वो तो एक आज तक देखिए कभी चुनाव लड़ा है नीतीश कुमार, दूसरे साइड से आता है, और डर है कि जनता क्या करेगी, विरोध करेगी, हरवा देगी। वो साइड से आता है, दूसरे साइड से, विधान परिषद से, एमएलए से चुनाव हुआ चाहे थी, दूसरे एमएलसी से कभी वो चुनाव लड़ा है, खुलिया मर्द नियर उतर जाता मार्केट में, कितना पानी में है पता चल जाएगा। उससे तो अच्छा तेजस्वी यादव था कि लड़ के आता है, ये तो डर के मारे दूसरे साइड से आता है। अच्छा ठीक है, आप बदलते हैं नीतीश कुमार से राहुल गांधी पे, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी का क्या बात करना जी, राहुल गांधी का क्या करेगा देश का।
वो कहते हैं हमारे दादा पर वो दादा पर दादा मंत्री रहे, हम भी हमारे अंदर गुण है वो। मैंने कंपनी है कि देश है पूरा कंपनी नानू है कि हमारे बाप चले तो हम चलाइम ये जो कैपेसिटी होके के चाहिए कंपनी नानू है बाप के बपौती देश ना है 130 करोड़ जनता बाप के बपौती नहीं के राहुल में क्या बात। वो तो इधर से आलू डालेगा उधर से सोना निकलेगा ये कैपेसिटी में बड़ा बड़ा फेंक सकता है भैया ये आप गलत कह रहे हो। ये आलू इधर से निकालो इधर से सोना ये पता है किसने कहा था? किसने? पता है आपके मोदी जी ने कहा था वो उन्होंने गलत आप आपको पता ही नहीं है फिर इसका मतलब सही नहीं है आपको पता ही नहीं है फिर आपको पता ही नहीं है फिर अंकल मोदी जी ने इतना लंबा भाषण दिया था और जो इनका जो मीडिया में बैठा हुआ उन्होंने इतना इधर से छाटा इतना इधर से छाटा और वो प्रेजेंट कर दिया राहुल जी के नाम। यार कैसी बात कर रहे हो पढ़ा लिखा आदमी क्या क्या इधर से आलू निकालेगा कैसी बात कर रहे हो यार। वो ऐसा है कह दीजिएगा कि 2040 तक 14 करोड़ के सोए लोग वैकेंसी नहीं है क्योंकि मोदी जी है मोदी के बाद योगी जी है 40 के बाद कोई सोचेगा वैकेंसी खत्म में जा रहे हैं। भाइयों बहनों मैं सभी विपक्ष को बता देना चाहता हूं कि 2039 तक तो मैं 29 के बाद योगी। देखिए पहली बात तो है ना मैं किसी पार्टी अगर मैं बीजेपी के रूप में आपको बता दूं तो भाजपा को वोट दें अपने घर में सुखी समृद्धि सबकी सब चीज लाए और अगर आपको दोबारा जंगल राज लाना है तो वह फिर से वही पार्टी ले आए जो हमसे पहले चल रही थी। तो सुनो मैं ना देखो एक्चुअली मोदी की मेरी कहाँ सीखे सीखना क्या होता है ऑटोमेट आप प्रैक्टिस करते रहिए निकल जाएगा मुझे इतना ही पता है पसंद का। देखिए मैं ना थोड़ा सा भाई आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँगा पर कुछ पढ़ा लिखा हूँ परंतु जो आज की जनता है ना हमारी देश की या तो देखिए एक बोतल में पानी भरा है आधा लीटर भरा है आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं? दो ही प्रकार के लोग या तो ये कहेंगे यार ये तो आधी खाली है एक कहेगा आधी भरी है। यानी कि अगर आप भाजपा ही है इस देश में तो आप मोदी के अच्छे गान गिनवाएंगे वो भी चिल्ला चिल्ला के मतलब मैं बता रहा हूँ और विपक्ष है तो उनकी बुराई गिनवाएंगे परंतु हमें एक ऐसी जनता देखनी है और क्या नाम है जो है ना उनकी सरकार की कमियाँ भी देख सके देखो सरकार की कमियां भी देख सके विपक्ष भी कमियां देख सके और इतने हम बुद्धिजीवी लोग हैं हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं। ठीक है सोच करके बताइए नरेंद्र मोदी ने 8 साल में क्या किया और 2024 में क्या हो? मैं सुनो देखो मैं फिलहाल की परंतु है ना जहाँ जिस स्टेट से मैं आता हूँ मैं हरियाणा से आता हूँ। ठीक है हरियाणा में तो है ना उस स्टेट में जो इससे पहले जो भर्तियाँ होती थी 2014 से पहले हुड्डा की सरकार थी तो मैं उस लेवल की बता रहा हूँ जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो है ना लोग सुनना नहीं चाह रहे आपको बढ़िया बोल रहे हैं। हाँ कोई नहीं हाँ सुनो सुनो मैं उनका पक्ष ले ही नहीं रहा किसी गवर्नमेंट का पक्ष नहीं ले रहा मैं ये कह रहा हूँ कि भर्ती के मामले में ना खट्टर सरकार ने 2014 के बाद 2016 में एक नंबर का काम किया कि सब गांव वाले को मेरे गांव से दो बच्चे लगे बिना एक रुपए दिए बिना कोई और क्या नाम मतलब बहुत बच्चे लगे ईमानदार से पर ये है कि अब कहीं ना कहीं जो खट्टर साहब है वो भी बेरोजगार से हट गए गड़बड़ करके अब ये 2024 के चुनाव आ रहे हैं अब इसकी तरफ फिर वैकेंसी धकेल रहे 3 साल युवाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया नहीं दिया। आप क्या कर रहे मेरा बिजनेस आप बताइए कि राहुल गांधी बेहतर रहेंगे या मोदी जी? देखिए राहुल गांधी जी का मुकाबला मोदी जी से जब आप करते हैं ना तो कोई भी आदमी आपको ये कह देगा कि नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे हैं। कारण पता क्या है ये आदमी नरेंद्र मोदी जी बहुत बढ़िया तरीके से ना बोल सकते हैं एक बोलने की कला होती है जैसे कि आप इसी बेस पे तो हम तुलना करते हैं ना कि भाषण कौन बढ़िया दे रहा है भाषण में नरेंद्र मोदी जी बहुत बढ़िया दे रहे हैं झूठ कौन बहुत बढ़िया बोल सकता है ये सबको पता हैगा सही है ना। सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आने थे और मेरे ख्याल से लगता है पूरे देश के लोगों के खातों में आ भी चुके हैं। नहीं मेरे बात तो भाई साहब नहीं आए मेरे तो नहीं आए लेकिन बात पता है क्या आप तुलना जब करते हो नरेंद्र मोदी जी से राहुल गांधी जी की नहीं करनी चाहिए वो अपनी जगह है कह रहे राहुल गांधी नहीं अच्छे हैं अच्छे तो सभी हैं लेकिन जीतेगा तो नरेंद्र मोदी। क्या नाम हुआ आपका? मैं कर्नाटक से आ रहा हूँ। कर्नाटक से आए? हाँ जी। क्या नाम? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार कर्नाटक से आए दिल्ली कैसी लगी? दिल्ली ठीक है। दिल्ली ठीक है ठीक है। अच्छा देश कैसा है? देश तो अच्छा है मोदी आने के बाद तो देश ठीक हो गया है। मोदी आने के बाद देश ठीक हो गया? हाँ जी। तो राहुल गांधी कह रहे हैं सब खराब हो रहा है 70 साल का पहले कांग्रेस सरकार था देश में क्या बदल गया ये देश का?
क्या बदल गया बोलना चाहिए भाई, देश हमने ही बनाया, मोदी जी ने तो बेच दिया। ये 7 साल का 8 साल का पीछे कैसा था, अभी कैसा इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो देखना चाहिए ना। इम्प्रूवमेंट हो रहा है और क्या है भाई, इम्प्रूवमेंट हो रहा है देश में, कहाँ हो रहा है, बिक गया सब, बिक गया जहाँ आप खड़े वो भी बिक गया, लाल किला भी बिक गया, सब गिरवी रख दिया। कौन खरीदा, कौन खरीदा क्या, बाहर विदेश वालों ने गिरवी खरीद लिया, गिरवी में रख लिया, तो क्या हुआ देश। मोदी कहते हैं हम तो सच्चे देशभक्त है, देश बना रहे भाई, कहाँ से देश भर, कहाँ से बन रहा है देश भर, कुछ नहीं है। गरीब लोगों का पटरी लगता था वो भी नहीं लग रहा, अब तो उन्हें भी भगा दिया जा रहा है, है? सब उनने रुकवाई चाहे किसी ने भी रुकवाई, लेकिन रोजगार तो खत्म हो गया ना उसका, खत्म हो गया उसका। आजकल जो रिक्शे वाला भी रिक्शा पे चल रहा है ना, उसको भी पेनल्टी ज्यादा लगा के देना पड़ रहा है। अच्छा, मोदी सरकार में बिल्कुल दे रहा है, जिस दुकान का 20,000 किराया था उसका 35,000 है आज, और बिल्कुल कमाई वही है, कमाई वही है सर, कमाई वही है, तनख्वाह नहीं बढ़ा, तनख्वाह वही है। केजरीवाल का किया है, हाँ केजरीवाल ही सही, केजरीवाल अच्छा काम करते हैं बुरा, ये तो जनता से पूछिए आप, जनता है ना हमारा। हाँ हम तो ये बोलेंगे कि केजरीवाल दिल्ली में अच्छा है। अभी कह रहे हो कि रिक्शा में नुकसान है, पटरी नहीं लग रही है, सब केजरीवाल की सरकार में हो रहा है, फिर कह रहे हो केजरीवाल अच्छा। नहीं, आपने मोदी के ऊपर सवाल उठाया ना, मोदी तो पटरी तो मोदी का ही नहीं, नहीं आपने मोदी के ऊपर पहले आपने सवाल उठाया था, मोदी पटरी मोदी का ही नहीं, गलत जवाब दे दिया तुमने, माइनस में नंबर मिलेगा तुम, कोई बात नहीं, ये आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्या, कोरोना का पीछे कांग्रेस सरकार रहेगा तो आज का दिन भारत देश बर्बाद हो जाता था। अभी श्रीलंका गया है ना, ऐसा होता था, मोदी सरकार तो एक कोरोना का टाइम में ऑल ओवर इंडिया का वैक्सीन करा है ना, एक वैक्सीन का पैसा कितना है, कितना करोड़ आदमी का वैक्सीन करा है, वो सोचना चाहिए ना। फिर भी मोदी ने कुछ नहीं, नहीं वो लोग बोलते हैं सही है, एक एक स्टेट में सेंट्रल में तो मोदी आने वाले है, आने वाले है। और मेरा तो है बोल रहे ना, मैं बोल नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, मैं अभी कर्नाटक में तो बोल रहे ना राहुल गांधी, वो तो पद यात्रा करा है ना, बिल्कुल नहीं आएगा, 50 सीट का अंदर आएगा कांग्रेस, 18 दिन कर्नाटक में रह के, कर्नाटक में 50 सीट का अंदर ही आएगा कांग्रेस, पक्का है 50 सीट का ऊपर है कर्नाटक में। क्यों ऐसा क्यों है, वो तो एक कांग्रेस का कुछ भी नहीं है, सब लोग पैसा बड़ा बड़ा के वो रखा है कांग्रेस वाला, वो कुछ भी नहीं गया देश के लिए, वो अच्छा वो तो कहते हैं देश हमने बनाया जी, राज के लिए कुछ भी नहीं गया, कौन बनाया देश, कांग्रेस वाले कहते पहले 8 साल का पिछले तो हिंदुस्तान कैसा रहता था, अभी कैसा है देखना चाहिए ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर वन, हाँ जी ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर वन, नंबर वन मोदी मोदी मोदी। कहाँ के रहने वाले, मैं हरियाणा पानीपत, हरियाणा के रहने वाले, हरियाणा में खट्टर साहब की सरकार है, तो खट्टर साहब की है सरकार, मोदी की सरकार है भाई, मोदी की सरकार। हाँ अच्छा, मोदी सरकार 24 में रिपीट होगी, हाँ बिल्कुल होगी, क्यों अच्छा काम कर रहा है, क्या अच्छा काम कर रहा है, सारे अच्छे काम कर रहे हैं, हम जी विपक्ष वालों को फॉलो करते हैं, वो तो कहते हैं कुछ काम नहीं हुआ सारा देश में, क्या भाई GST नहीं हुई, हम GST भर के आप खुश हैं, पहले तो लोग टैक्स भी चोरी करते थे, अब GST चोरी तो नहीं हो रही, हो रही अब जितनी भी GST आ रही है लग रही है देश के ऊपर ही तो लगा रहे वो, हाँ। मोदी को ये अपने घर तो नहीं खा रहा, हाँ। लेकिन अडानी का जेब तो भरना है ना, अडानी तो देखो वो अपना ही है, अडानी से हमारा क्या मतलब है। अच्छा जी, अच्छा मोदी सरकार ने एक अच्छा जो काम किया आपके हिसाब से, GST जो पैसा बटोरा, क्या अच्छा काम कर दिया, रोड बनाया, ट्रेनें चलाई, एक से एक नई ट्रेनें चलाई, सारे काम हमारे लिए तो अच्छे ही है, बिजनेसमैन के लिए तो अच्छा ही काम किया। अच्छा जी, हाँ जी, वो तो कहते हैं विपक्ष वाले कहते बिजनेसमैन सबसे ज्यादा बर्बाद है, हम कहाँ बर्बाद है, हमारा जहाँ बिजनेस पहले था कुछ बड़ा ही है, घटा थोड़ी है बिजनेस।